अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी इत्मीनान हुज्जत नहीं हुई थी, मौलाना ने धांधली में तहकीकात का कहा हो वो ना की गई हो, अदालत का दरवाजा खटखटाया हो वहाँ सुनवाई ना हुई हो, मुतालबात की ऐसी कोई लिस्ट दी हो जो पूरी ना हुई हो। बाकी तो छोड़िए, जिस कश्मीर कमेटी से इन्होंने बरसों बैठकर खाया है, इस कश्मीर कमेटी का मसला हल नहीं हुआ था या फिलहाल इंतहाई सीरियस था, लेकिन फिर भी उन्होंने इंतहाई उजलत में धरने का ऐलान कर दिया। उजलत थी क्या? भारत को सही मायनों में सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने नथ डाली हुई थी। कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम या तरीका नहीं रह गया था जिससे भारत के कश्मीर में मजमूम मकासद को बेनकाब ना किया जा रहा हो। आर्मी मुकम्मल तौर पर भारत से इंगेज थी, रोजाना की बुनियाद पर झड़पें हो रही थीं। भारत पहली बार पाकिस्तान से कई मामलों में दरख्वास्त वाला अंदाज अख्तियार किए हुए था। पूरे मीडिया, पूरी अवाम और फौज का मोमेंटम भारत की तरफ हो चुका था। ये कैसे हुआ था? सिर्फ इमरान खान की कोशिशों से। मौलाना साहब आए और इस सारे मोमेंटम का रुख इमरान खान की तरफ ही कर दिया। फौज के खिलाफ बयानात दिए, चुनाचा जो फौज भारत के साथ उलझी हुई थी आम आवाम इससे उलझने लगी। हजारों लाखों पोस्टें फौज के खिलाफ होने लगी। पाकिस्तान के वो सब गद्दार जो पाकिस्तान से भागकर पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ पोस्टें किया करते थे, ऐसे मौका पर मौलाना के हम नवा और हम आवाज हो गए। मौलाना साहब इन गुस्ताख ब्लॉगर्स के भी लीडर ठहरे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंतहाई नाज़ेबा बातें कर रखी थी। फायदा किसको हुआ? भारत के खिलाफ बना मोमेंटम दम तोड़ गया। मीडिया से कश्मीर इशू बिल्कुल आउट हो गया। पाकिस्तान हुकूमत और फौज दाखिली मामलात में उलझ गई। अवाम कश्मीर को भूलकर इमरान खान और फौज के खिलाफ आवाज उठाने लगी। नाज़रीन याद रखें, जिस इमरान खान को लेकर भारती पागल हुए फिर रहे थे, वो मौलाना का इमरान खान को ऐसा टफ टाइम देने पर यकीनन कह के लगा रहे होंगे